हार्ट अटैक में पेन होती है, बैठे बैठे पेन होती है। अच्छा, एंजाइना में कब होता है? चलने से पेन होता है, रुकने से पेन ठीक हो जाती है। जब 70, 80, 90 ब्लॉकेज हो, 70। एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? more than 70। एक बोलता है मुझे चलने में दिक्कत है, तो कितनी ब्लॉकेज बोलूं? more than 80। एक बोलता है मुझे नहाने धोने में दर्द है, तो more than 90। और एक बोलता है मुझे बैठे बैठे दर्द है, तो 100%। याद रखिएगा, हार्ट अटैक मतलब है ब्लॉकेज इज इक्वल टू 100%। अच्छा, हार्ट अटैक धीरे धीरे होता है, सडनली हो जाता है? सडनली हो जाता है, सडनली। अभी का अभी हो गया हार्ट अटैक, 5 मिनट पहले मिला, 5 मिनट बाद खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गई। कैसे हो जाता है आपको याद है? अब देखिए एक बार। अच्छा, एक आदमी हार्ट का पेशेंट है, उसकी कितनी ब्लॉकेज है? 80 ब्लॉकेज है। उसको हार्ट अटैक करना, 100 ब्लॉकेज ले जाना। कितने साल बाकी है अभी उसको? 10 साल बाकी है। पता चला 10 मिनट बाद हार्ट अटैक हो गया। एक आदमी तो हार्ट का पेशेंट ही नहीं है, उसकी ब्लॉकेज 60 है, 60% ब्लॉकेज है, वो हार्ट का पेशेंट भी नहीं है, वो तो दौड़ सकता है। अच्छा, उसको कितने साल लगेगा अभी हार्ट अटैक करने? 60 है, 100 जाना है, 40% बाकी है, 20 इयर्स बाकी है अभी। पता चला 20 मिनट्स बाद हार्ट अटैक हो गई। कैसे हो जाएगा हार्ट अटैक? आपको याद है एक पर्दा आपने बताया था हमने, ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाता है। दिस इज व्हाट अ हार्ट अटैक इज। देखिए आपको समझ आता है कि नहीं? ये 20% ब्लॉकेज है, दिख रहा है मेम्ब्रेन ब्लॉकेज के ऊपर। ये 40% ब्लॉकेज है, मेम्ब्रेन यहाँ पे है अभी। ये 60%, 70% ब्लॉकेज है, मेम्ब्रेन अभी भी है। और मेम्ब्रेन स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करते करते एक दिन क्या होगा? मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगा। मेम्ब्रेन विल रप्चर, मेम्ब्रेन विल स्नैप, मेम्ब्रेन विल बर्स्ट। और जैसे ही मेम्ब्रेन बर्स्ट करेगा क्या होगा? यहाँ से केमिकल यहाँ आएगी और यहाँ पे खून जा रहा है, इस खून में क्या होगा? ब्लड केमिकल मिलेगा और केमिकल मिलते ही ब्लॉकेज हो जाएगी 100%। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। 100% ब्लॉकेज कितने देर में बना? 5 मिनट में। 0 से 80 आने लगा था 40 साल, और 80 से 100 आने में 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। अब एक बात बताइए, हार्ट अटैक को रोकना कैसे है? आपका दिमाग क्या बोल सकता है? मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल सोच लीजिए। एक नोट का गड्डी है, नोट का गड्डी समझते हैं? नोट के गड्डी में रबर बैंड लगा है, मैं हर दिन उसमें नोट घुसाए जा रहा हूं। और जब रबर बैंड टाइट हो गई, तो आपको मैंने पूछा क्या करूं कि रबर बैंड ना फट जाए, तो आप क्या जवाब देंगे हमको? नोट घुसाओ मत। आप ये पूछेंगे सर अभी तक रबर बैंड फट गया क्या? मैं बोला नहीं, अभी तक नहीं फटी है। आप बोलिए एक काम करना, कल से नोट घुसाना मत, देखना फटेगा नहीं। ये काम बात ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? घुसाना बंद करो। और मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं कि कुछ नोट निकाल लो कि रबर बैंड ढीला हो जाए। अब फटने का क्या चांस है? एकदम नहीं है। एंड यही बात मैं हार्ट के पेशेंट को समझाता हूं। मैं बोलता देखो अभी जहां तक चले गए चले गए, अब आप ब्लॉकेज को बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगा। कब होगा हम नहीं जानते, पर कभी ना कभी हो सकता है। आज 80 है, मालूम नहीं 90 में पर्दा फट जाए। ये पर्दा कब फटेगा हमको नहीं मालूम है। हर आदमी का पर्दा अलग अलग है, हर आदमी की मेम्ब्रेन अलग अलग स्ट्रेंथ की है। अब कब फटेगा नहीं मालूम, पर एक बात पक्का मालूम है कि आज से नोट घुसाना बंद कर दिया तो फटने के चांस कम हो जाएगा। और कुछ नोट निकालना चालू कर दिया तो आपको क्या लगता है लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं? वो जो कारण है ब्लॉकेज का उसको हटाओ और बॉडी में सप्लाई फैट का बंद करो। अब हार्ट अटैक का चांस इज ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट नील। और यही बात मैं हार्ट के पेशेंट को समझाता हूं। आपको क्या लगता है सही हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन सेंस की बात यही बोलता है कि नहीं? ब्लॉकेज का कारण को हटाओ और खत्म करो बात। तो ये है हार्ट अटैक रोकने का उपाय। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट ये करते नहीं है, वो खाना पीना गलत खाते रहते हैं, दवाइयाँ वाइयाँ खाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट को पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपसे दवाई ले रहा हूँ तो आपके अंडर में हो गया ना? डॉक्टर बोलता है हाँ मेरे अंडर में हो। बोलता है डॉक्टर साहब कभी हार्ट अटैक हो जाए तो आप कहाँ मिलोगे? मैं अभी ब्लॉकेज बढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ हमको बताओ हार्ट अटैक के वक्त आप। अच्छा, कार्डियोलॉजी भी बड़ा खुश रहता है, बोलता है मेरा मोबाइल नंबर रखना, जब भी हार्ट अटैक हो मुझे इन्फॉर्म करना और मैं आपको बताऊंगा कहां पहुंचना है, और मैं भी वहीं पहुंचूंगा, फिर आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक के पहले करने का कुछ जरूरत। आपको क्या लगता है सही बात हो रहा है गलत हो रहा है? अरे हार्ट अटैक के पहले ही रोक लो ना कि हार्ट अटैक। पर मैंने देखा आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। एनीवे, आई डोंट वांट दैट। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पेशेंट है जिसका ब्लॉकेज बढ़ रहा है, ये सब जानता भी नहीं है क्या क्यों ब्लॉकेज बढ़ रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए तो उसको बता देना चाहिए कि नहीं किस लिए ब्लॉकेज हो रहा है। अच्छा, अगर हार्ट के हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वो लोग भी यही सब बात करेंगे ना आपसे? क्या लगता है, हाँ या ना? वो लोग क्या बात करेंगे? उनके पास दो प्लान है, एक है बाईपास सर्जरी और एक है एंजियोप्लास्टी। अच्छा, इतनी कॉमन सी बात है ब्लॉकेज का कारण को रोको, वो इसको नहीं बता के बाईपास एंजियोप्लास्टी क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? आगे पहले कॉमन बात बताओ, फिर तो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं। वो लोग चाहते नहीं है ये सब ज्यादा, वो बोलते हैं भाई हमारी बाईपास की काम अच्छी। अच्छा, वो लोग कैसे ले जाते होंगे आपको उस तरफ? मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे ये सिस्टम बन गया कि वो बाईपास एंजियोप्लास्टी की तरफ चले जाते आदमी। मैं आपको समझाता हूँ, एक आदमी है, ऑर्डिनरी आदमी है, खाने में खूब चर्बी खाता है, उसको क्या मालूम इससे ब्लॉकेज होता है, सिगरेट उगरेट पी रहा है। एक दिन चलते चलते वो देख रहा है जब मैं स्पीड लेता हूँ मेरे को यहाँ पे दर्द हो जाती है, फिर मैं रुक जाता हूँ दर्द ठीक हो जाती है। कितनी ब्लॉकेज है? 80। चलने में स्पीड लेते ही दर्द हो रहा है, जब वो दादर चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसको दर्द होता है, तो कितनी ब्लॉकेज हो गई? 80। अच्छा, वो बताएगा क्या किसी को? सोचता है कि अभी तो मैंने फील किया है, अगर घर में जाके बता दूंगा घर वाले परेशान हो जाएंगे, एक तो ऐसे ही वो परेशान है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है घर पे, और मैं ये भी बता दूं तो झंझट हो जाएगा। बताता नहीं है, कितने दिन तक नहीं बताता है, 2-4-6 महीने तक वो खींचता रहता है। क्या करता है, जब भी स्पीड लेने का काम होता है बोलता है मैं धीरे धीरे जाऊँगा, आप छोड़ दो, जाने दो। जब दादर चढ़ना होता है तो धीरे से चढ़ता है, सामान उठाना होता है नहीं उठाता है, पर धीरे धीरे पता चल जाता है। एक दिन वाइफ बोलती है आप स्पीड में चलिए, पेशेंट बोलता है मेरे से स्पीड नहीं चला जाता है। बोला क्यों? बोलता मेरे को यहाँ दर्द होती है। वाइफ बोला आपने कभी बताया नहीं। बोलता नहीं वो तो थोड़े दिन से हो रहा है ना, कुछ दिनों से। वाइफ अब छोड़ देगी वाइफ या नहीं छोड़ेगी? वाइफ बोलती है चलो कल डॉक्टर के पास जाएंगे। तो लोकल कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँच गए। अच्छा, लोकल कार्डियोलॉजिस्ट को जाके बता दिया कि डॉक्टर साहब जब मैं स्पीड लेता हूँ तो यहाँ पे छाती में दर्द हो जाता है, फिर रुकता हूँ ठीक हो जाता है। अच्छा, उनको कुछ आइडिया लग जाएगा? वो ECG करके देखते हैं, उसमें कुछ नहीं आता है। पेशेंट बोलता है सर ECG में नहीं आएगा, आप चला के ECG लीजिए तब आ जाएगा। उसको मालूम है चलने से दर्द होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेस टेस्ट कराता है, उसमें खराबी आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया? हार्ट की बीमारी है या नहीं है? ऑलमोस्ट पक्का हो गया। अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? बोलते देखो आपको हार्ट की बीमारी हो गई है। पेशेंट घबरा जाता है, बोलते सब क्या करूँ? बोलते एक काम करो, मैं एक हॉस्पिटल का नाम लिख के देता हूँ उसमें चले जाओ, और एक कार्डियोलॉजिस्ट का नाम लिख के देता हूँ उसके पास चले जाना, और वहाँ पे वो जाके एंजियोग्राफी करेंगे, उससे पता चलेगा ब्लॉकेज है या नहीं है, और उसके बाद वो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी जो भी बोलेंगे वो सब करवा लेना। पेशेंट बोलता है इसका मतलब वो सब करा लो? बोला हाँ, जो भी निकलेगा उस हिसाब से करा लेना। पेशेंट बोलता है सर और कोई बात? बोला एक काम कर देना मेरा, उनको बता देना मैंने ही आपको वहाँ पे भेजा है। अच्छा, इसका भी कुछ फायदा है ना। अच्छा, अब आप कहाँ चले गए? नेक्स्ट डे पेशेंट पहुँच गया हार्ट के हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट को बता दिया कि मैं स्पीड लेता हूँ मेरे को छाती में दर्द होता है। कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ समझ आ गया क्या? उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया, एक नया पेशेंट आ चुका है। अच्छा, वो बोलते नहीं ऐसा, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मेरे को डाउट है ये ब्लॉकेज है या नहीं है। अच्छा, पेशेंट खुश हो जाता है। पेशेंट बोलता है वो डॉक्टर तो मेरे को डरा ही दिया था, बोलता है हार्ट की ब्लॉकेज है, और ये बड़ा डॉक्टर ये बोलता है मेरे को डाउट है। पेशेंट बोलता है मेरे को हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकता, अरे मैं कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, सिगरेट तो बहुत लोग पीते, मैं भी पीता हूँ, और चर्बी उर्बी तो बहुत लोग खाते, मैं तो थोड़ी बहुत ही खाता हूँ। तो पेशेंट क्या सोचता है कि कुछ निकलेगा तो नहीं, डॉक्टर ठीक ही बोल रहा है, कुछ मिलेगा ही नहीं। पेशेंट बोलता है सर कोई उपाय है पता चल जाए ब्लॉकेज कितना है? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं बस एक एंजियोग्राफी कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं या। अच्छा, पेशेंट मान जाएगा नहीं मान जाएगा? पेशेंट बोलता है सर कोई भी टेस्ट हो मैं तैयार हूँ, आप बोलो क्या क्या कराना है? बोलते नहीं आपको एडमिट करके आपके अंदर एक तार घुसाएंगे और उसमें जान भी जाने की चांस है। अच्छा, पेशेंट फिर भी नहीं चाहता है कुछ, तो बोलते बिना तार घुसाए कुछ कर लीजिए ना, आप पता करना है ना ब्लॉकेज, कर लीजिए आप। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते नहीं एंजियोग्राफी बिना कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, एंजियोग्राफी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एंजियोग्राफी हो जाता है। पेशेंट बोलता है चलो एक बार करा लेते हैं, फिर घर जाके सोचेंगे ब्लॉकेज मिल तो जाए, देखे तो सही कितना है, फिर जाके घर में। अच्छा, पेशेंट प्लान कर लेता है। क्या प्लान करता है? कि मेरी 30-40 ब्लॉकेज तो हो सकती है, मैंने गलत काम किया है, बड़े दिनों से मेरे को कोई नहीं बोला था, फैट नहीं खाना मैं खाया हूँ, सिगरेट नहीं पीना मैंने पिया हूँ, तो कुछ ब्लॉकेज मिलेगा। और प्लान क्या बनाता है कि घर जाके कल से सारा खाना पीना बदल दूंगा, वॉकिंग चालू कर दूंगा, एक्सरसाइज चालू कर दूंगा, एकदम प्लान करके एंजियोग्राफी में जाता है कि कल खाली रिपोर्ट लेके घर जाना है। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ, एंजियोग्राफी होने के बाद रिपोर्ट में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिपोर्ट में एंजियोग्राफी में कितनी ब्लॉकेज मिलेगी? 70, 80 एंड 90। अच्छा, जब 80 ब्लॉकेज मिल जाए, अब कार्डियोलॉजिस्ट सडनली बदल जाता है, वो बोलते हैं यू आर वेरी लकी। पेशेंट बोलता है लकी मतलब कुछ भी नहीं मिला आपको? बोला लकी इसलिए कि आप ठीक टाइम में यहाँ तक पहुँच गए, थोड़ा सा लेट आते तो कुछ भी हो सकता था। पेशेंट बोलता है इसका मतलब कुछ सीरियस बात है। बोला आप बचे कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यू आर वेरी लकी, अभी तक बच गए आप, अब आपका बचने का चांस बहुत कम है। पेशेंट बोलता है पर हुआ क्या है? बोलता 80% ऑलरेडी फिनिश्ड, बस अब बस थोड़ा सा ही है। यू आर कैरिंग एन एटम बॉम्ब। अच्छा पेशेंट बोलता है सर एक काम कीजिए आप रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, मैं घर जाऊंगा। बोलता घर आप पहुंचेंगे कैसे, उसके पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगी। अच्छा आपको क्या लगता है डॉक्टर को मालूम है कि हार्ट अटैक कल होगा आज होगा? उसको तो ये भी नहीं मालूम 70 है 80 है या 90 है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? टू क्रिएट अ फियर। और फियर से क्या होगा फिर ऑपरेशन के लिए इमीडिएटली बहुत सारे लोगों को इतना बोलने का जरूरत ही नहीं हो, तो इमीडिएट तैयारी हो जाता है। हार्ट का सुनते हैं उसके मन में ऐसे ही डर रहता है, उसको ज़्यादा डराने का। पर कभी कभी पेशेंट बोलता है सर एक बात बताइए, ब्लॉकेज तो कल भी था, ब्लॉकेज तो आज भी है, कल तक तो मैं सारा ही काम कर रहा था, ये पेन तो मेरे को बड़े दिनों से है, मैं अब तो पता चला हूँ, तो आप एक काम करिए मेरे को आप डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं घर जाके फिर सोचूंगा। बोला नहीं आप एक काम कीजिएगा, आप करवट भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजिएगा। पेशेंट बोलता है नहीं सर मैं तो घर जाऊँगा। बोला आप रुकिए आपके घर वालों से मैं पूछता हूँ। अच्छा घर वाले बाहर कौन कौन वेट कर रहे होंगे? सारा खानदान वेट कर रहा होगा। वहां पे जाके क्या बोलना है कि पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल, एनी मोमेंट ही कैन डाई। आप बोलो मैं बचाने की कोशिश करूं और जाने दूं। अच्छा आंसर क्या होगा? वाइफ क्या बोलेगी कि जिंदगी भर इन्होंने मेरे लिए किया, आज मेरे को चांस मिला, आज तो मैं ऑपरेशन। वाइफ बोलती है कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना है, इनको तो बचाना। अच्छा बेटा मानेगा कि नहीं? एक बेटा बड़ा समझदार होता है, बोलता है डॉक्टर को डॉक्टर साहब एक बार बताइए मैंने सुना है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है, इनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या करूं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, खाने पीने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए? अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट मान जाएंगे इनसे बात में, वो बोलेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम, ही इज डाइंग एंड यू आर टॉकिंग ऑल दिस रबिश। अच्छा तब तक और जितने परिवार वाले बोले नहीं नहीं ऑपरेशन होना ही चाहिए। मेरे एक पेशेंट थे, बोले डॉक्टर साहब मेरे साथ पूरा ऐसे ही हुआ, मैं तो खाली एक बार टेस्ट कराने गया था और उसके बाद वो ऑपरेशन करके ही भेजे मेरे को वापस। मेरे एक और पेशेंट थे, बोले सर मैं फिर भी नहीं कराया, मैं निकल आया। मैं बोला आप निकले कैसे? बोला मैंने बोला मैं तो नहीं कराऊंगा, मुझे घर जाना है। वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पहुंचेंगे। मैं बोला मैं लिख के देता हूं मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने लिख के भी दे दिया, फिर भी वो जाने नहीं दिया। फिर मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला देखो मैं करने तैयार हूं पर प्रॉब्लम है मेरे पास पैसे नहीं है, आप फ्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो। तब इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है आप घर चले जाओ। फिर मैं जब घर जाने लगा तब फिर से बुलाया उन्होंने, बोला अब आप एक बार बताओ ये इतने पैसे आप कितने दिन में इकट्ठा कर सकते हो? तब मैंने बोला देखिए मुझे प्रॉपर्टी बेच के आना होगा, 2 महीना लगेगा। फिर मुझे 2 महीना उन्होंने टाइम दे दिया। बोला अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद ही ऑपरेशन होगा। आपको समझ आ रहा है ऑपरेशन कब रुक सकता है? दिस इज, मैं ये नहीं बोलूंगा सारे जगह एग्जैक्टली यही हो रहा है, पर इसका ही कुछ छोटा मोटा रूप ये हॉस्पिटल का सिस्टम है। पर एक बात मैं जानता हूं, हॉस्पिटल को ये चॉइस देना चाहिए पेशेंट को, देखो द ब्लॉकेज इज सो मच सो मच सो मच, दीज आर द रीजंस, आप देखो क्या चाहते हो। आप अगर अपने आप को बदलोगे तो ऑपरेशन रुक सकती है, आप नहीं बदलना चाहते हो तो मैं ऑपरेशन कर दूं उसके बाद जाके बदलने का कोशिश करो। बट द हॉस्पिटल्स डोंट गिव चांस, उनको मालूम है ये एक मौका है, ऑपरेशन कर लेते हैं, बट उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज तो पेशेंट को फिर भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं हार्ट के पेशेंट्स को मैं 3 चीज़ देखते दिखाऊं, एक तो दवाइयां हैं, एक बाईपास और एक एंजियोप्लास्टी। ये दवाइयां मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं दवाइयां क्या काम करती है, और अनदर 10 मिनट्स आई विल टेक। देखिए ये ट्यूब है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है और ये 80-90% ब्लॉक है, दिख रहा है आपको? अब ये पेशेंट को चलने से दर्द होता है, एक दवाई ऐसी है जो दवाई देते ये दर्द कम हो सकती है। कौन सी दवाई है? सॉर्बिट्रेट, नाम सुना आपने? क्या करता होगा सॉर्बिट्रेट? देखिए क्या करता है सॉर्बिट्रेट, दिस व्हाट इज द एक्शन ऑफ सॉर्बिट्रेट। क्या हुआ? ट्यूब चौड़ी हो गई, ब्लॉकेज वहीं की वहीं रह गई, ट्यूब चौड़ी हो गई, ट्यूब थोड़ा फैल गया, फैलते क्या हो गया? ब्लड सप्लाई बढ़ गई। पेशेंट बोलता है मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, पर यह दवाई का असर रहेगा 8 घंटे बाद, तो 8-8 घंटे में एक सॉर्बिट्रेट देनी पड़ेगी। एक पेशेंट मेरे को बोला मैं सॉर्बिट्रेट नहीं लेता हूँ, मैं मोनोट्रेट लेता हूँ। मैं बोला वो भी सॉर्बिट्रेट का ही भाई है। तो ये जितने भी सॉर्बिट्रेट है उनका नाम मैं आपको दिखा सकता हूँ, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्बिट्रेट एंड ऑल ये सब दवाई हम लोग दे देते हैं। सॉर्बिट्रेट, इसमो, आइसोडिल, मोनोट्रेट, नाइट्रोफिक्स, एंजिसेड, इमडूर, एंजिकोर, वेसोट्रेट, मोनोट्रेट, सॉर्बिट्रेट, मोनोसॉर्बिट्रेट, नाइट्रोकॉन्टीन, वेसोप्रीन, मोनोस्प्रीन, इस तरह की दवाइयाँ हम हार्ट के पेशेंट्स को दे देते हैं। एनीवे दवाइयाँ बहुत सारे तरह के मिलती है। एक होता है हार्ट की ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम कर देता है, इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर ACE इनहिबिटर, ऐसे करके बहुत सारी गोलियाँ हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को दे सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट डिटेल। कुछ ब्लड पतला करने का दवाई भी देते हैं, आपने देखा नाम इकोस्प्रीन, कोल्स्प्रीन, एएसए, डेलिस्प्रीन, डिस्प्रीन, क्लोपिग्रेल, क्लोपिलेट, क्लोपिवास, सिरुविन, क्लैविक्स, क्लोट्रेल, प्लाजरिल, स्ट्रोमेक्स, डीप्लैट, इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए। पर ये गोलियां देने से भी पेशेंट ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ वो लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ब्लॉकेज को कम करें कि उनको देने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। अच्छा, ये गोलियाँ इतनी खाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होती है क्या? अगर साइड इफेक्ट होती है कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन की और गोली दूंगा, और एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी की गोली दूंगा, और नींद ना आए तो नींद की गोली दूंगा। अच्छा बताइए बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई एम नॉट कीन, मैं जानता हूं दवाई आज जरूरत है, पर कल दवाई की जरूरत ना हो उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। इसके बाद चलते हैं ये एंजियोग्राफी क्या चीज़ है। हॉस्पिटल में जाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और ये एंजियोग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एंजियोग्राफी। एक तार आपके पूरे बॉडी को स्क्रैच करके हार्ट तक लेके जाना है। ये तार यहाँ से जो घुसेगी, 1 मीटर वायर इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी टिल इट रीचेस द हार्ट। इट इज अ ब्लाइंड प्रोसीजर। ब्लाइंड मतलब क्या? आप घुसा दो, ये अंदर जाती जाएगी, और अगर अटक गई तो वापस खींच के फिर से ट्राई करना होगा। मतलब वो अंदर स्क्रैच करेगा ही करेगा, पूरे बॉडी को स्क्रैच करती है। वो लिखवा लेते हैं कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और ये पूरे बॉडी को ये पंक्चर भी कर सकता है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एंजियोग्राफी के वक्त ही डेथ हो गई। एंजियोग्राफी में पैर को काटना पड़ा अल्टीमेटली, क्योंकि वो पैर की ट्यूब को डैमेज कर दिया। तो एंजियोग्राफी मैं नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद क्या होगा? इनएक्यूरेसी अबाउट द रिपोर्ट, और उसके बाद प्रेशर फ्रॉम द कार्डियक डॉक्टर्स फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। पेशेंट को लगता है मेरे को इमरजेंसी हो गया, बट इमरजेंसी प्रिसिपिटेट कराया जा सकता है। एनीवे ये एंजियोप्लास्टी जो है, ये दो ऑपरेशन, दो चीज़ वो लोग करते हैं, एक एंजियोप्लास्टी, एक बाईपास सर्जरी। मैं एंजियोप्लास्टी 2 मिनट आपको समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस एंजियोप्लास्टी? एक स्टेंट लगाते हैं, सुना आपने नाम, एक रिंग लगा देते हैं हार्ट में। व्हाट इज दिस? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। पिछले 20 साल में ये जो एंजियोप्लास्टी है, ये बार बार फेल किया और बार बार इसको सक्सेस बताया गया। पहले आई थी बैलूनिंग, बैलून एंजियोप्लास्टी। उसके बाद बहुत सारे तरह के एंजियोप्लास्टी आई, ऑर्डिनरी स्टेंट आई, फिर गोल्ड स्टेंट आई, फिर रोटा ब्लेडर आया, रेडियो एक्टिव स्टेंट आई, लेजर एंजियोप्लास्टी आई, आजकल चल रहा है ड्रग कोटेड स्टेंट। पर ये सारे के सारे फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए एक बार समझाना चाहता हूँ। देखिए ये बैलूनिंग क्या चीज़ है। याद है आपको एंजियोग्राफी के वक्त तार अंदर घुसाई थी, वो कहाँ तक गई थी? हार्ट तक, यहाँ तक तार आई थी। इस तार के ऊपर ये बैलून रोता है, इस तार को थोड़ा सा धक्का मारते हैं। कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट तार को अंदर रख के बाहर आ जाते हैं, आके बोलते हैं देखो तार अंदर है, बोलो तभी खोल दूं। आप बोलते हैं चलो खोल दो, कितने लगेंगे? 2 लाख लगेंगे, 2 लाख दे दिया। अब ये तार को ये लोग धक्का देते हैं थोड़ा, और तो तार की जो बैलून है ये बीचों बीच आ जाती है ब्लॉकेज में। अब इस बैलून में पानी डालना होता है। ये बैलून ऐसा होता है, इसमें पानी डालते ही बैलून फूल जाती है। अच्छा पानी कैसे डालेंगे? आपने होली में बैलून फुलाया एक सिरिंज से, सिरिंज में पानी ले लो, सिरिंज को दबा दो तो बैलून के अंदर पानी घुस जाए, तो बाहर से सिरिंज से पानी डालेंगे तो बैलून क्या होगा? फूल जाएगी। फूलते ही ब्लॉकेज कहाँ गई? साइड में दब जाएगा, ऊपर कंप्रेस्ड हो जाएगी, नीचे कंप्रेस्ड हो जाएगी। अच्छा ये बैलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा? बैलून को वहां पे 2-4 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाएगी, 100 हो जाएगी ब्लॉकेज। तो बैलून में पानी डाला और सिरिंज से वापस पानी खींच लिया, जैसे ही पानी खींचा बैलून वापस चिपक गई, तार को पकड़ के बाहर निकाल लिया। एंजियोप्लास्टी इज ओवर। आपको समझ आ रहा क्या करना पड़ा? ये तार यहाँ थी, इसी को थोड़ा आगे किया, बैलून डाल, पानी निकाल लिया और ब्लॉकेज वापस। अच्छा ब्लॉकेज वापस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? इसके बाद क्या लगता है आपको? दिस इज इलास्टिक। इलास्टिक समझते हैं आप? ये लोहा या पत्थर नहीं है, इलास्टिक है। और जैसे ही बैलून निकाल लिया ब्लॉकेज वापस आने लग गई। थोड़े साल बाद यही कार्डियोलॉजिस्ट मान गए बैलूनिंग काम की नहीं है। पहले क्लेम किया था बैलूनिंग एक बार कराओगे जिंदगी भर चलेगी, फिर मान गए काम की नहीं है। फिर क्या हो गया? फिर वो बोले इसमें स्टेंट लगाना होगा। व्हाट इज दिस स्टेंट? लुक एट दिस, दिस इज द ब्लॉकेज, दिख रहा है आपको येलो कलर की, और इसके अंदर एक बैलून डाल दिया, आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का बैलून। बैलून में पानी डाला तो ब्लॉकेज कहाँ चलेगी? साइड में आ गई। जब बैलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आएगी, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्प्रिंग क्या काम करेगा? ब्लॉकेज को आने से रोक देगा। आपको समझ आ रहा है स्प्रिंग का मतलब क्या है? अगर स्प्रिंग डाला गया इसका मतलब क्या है? कि ब्लॉकेज वापस आ रही थी इसका मतलब पहले वाला जो क्लेम था वो गलत था कि बेलूनिंग करा लो ठीक रहा। इसके बाद ये जो स्टेंट लगी, स्टेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से ब्लड जाएगी और फॉरेन बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी होती है। ये देखा गया है स्टेंट में 6 महीना 1 साल में सारे ब्लॉक आ जाती वापस। और ये जब वापस आने लगी तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है नहीं आती है, थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला कि नहीं ये स्टेंट तो खराब होगी क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्टेंट है, इसमें एक मेडिकेटेड स्टेंट देना होगा। वो दवाई में डाल के स्प्रिंग को निकाल लेंगे अब बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो ड्रग की कोटिंग चल जाए। आपने देखा है चांदी के गहने में सोने की कोटिंग चढ़ाते हैं तो वो स्प्रिंग के ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं और वो कोटिंग चढ़ा के लगा दिया, पर इसके बाद भी ये फॉरेन बॉडी ही रही, इसमें वही का वही रिजल्ट आया है। अभी लेटेस्ट है कि 66% पीपल विद इन 1 ईयर विल कम बैक विद अ रीब्लॉकेज। इसके बाद है बाईपास सर्जरी, एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है। देखिए बाईपास सर्जरी मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सर्जरी है। एक पूरे चेस्ट को काटो और इसको काट के, इसको चाकू से नहीं कटेगा, इसमें आड़ी से कटेगी। आड़ी समझते हैं आप? आपने मार्बल फिटिंग के वक्त एक देखा गोल चक्का लेके घूमते हैं, ऐसा एक लगा के ये पूरा खुलेगी। इसको इसको अंदर से ऐसे जैक करके ऐसे खोलेगा, अंदर में हार्ट को रोक के उसमें ऑपरेशन होगी। और हार्ट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉडी को ब्लड जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन, उसमें कुछ ब्लड डाल के उससे चलाना होगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस, बट दिस ऑपरेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लक अच्छा हो तब ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। पर ऑपरेशन के बाद क्या होगा ये देखिए, ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ये ट्यूब जो ब्लॉकेज है वो यहीं रह गई, उसके जगह नई ट्यूब लग गई, तो ये ब्लॉकेज के जगह नई ट्यूब लग गई तो क्या हो गया, बाईपास हो गया। पर ये नई ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? ये नई ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है, अच्छा अब तो 40 साल बाद ही आएगी ना, पिछले बार कितने साल लगी थी आपको याद है? देखिए एक वाई का जवाब सोच के देखिए, ओरिजिनल ट्यूब में कितने साल में ब्लॉकेज हुई थी, 20 से 40 साल, तो कितनी स्पीड रही, 2 से 4%, 6% पर ईयर। और एंजियोप्लास्टी के बाद अगर 2 साल में वापस रीब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई, 40% पर ईयर। और बाईपास के बाद अगर 5 साल में रीब्लॉकेज आती है तो 20% पर ईयर। जो ट्यूब ओरिजिनली 2% की ब्लॉकेज कर रही थी वो अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब वो ओरिजिनल नहीं रहा। हमारी बॉडी को जब तक ओरिजिनल रखो तब तक अच्छी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 बाईपास कराई है, एंजियोप्लास्टी 5 स्टेंट लगाई है, पर मैं जानता हूं उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा, एक बार कर लिया दूसरे बार कराए, कब तक करा सकता आदमी? और मैं जानता हूं बॉडी में एक बार कॉम्प्लिकेशन कराना, उनके लिए तो चलो बहुत बड़ा टीम लगेगा, हर आदमी के लिए इतनी बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है और इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं भी कर सकते ठीक से। पर मैं जानता हूं अगर ऑपरेशन बिना ही हमारी काम बन जाए, अगर हम लाइफस्टाइल को ही चेंज करके कर सकते हैं तो हम ऑपरेशन क्यों करवाएं। एंड दिस इज व्हाट इज द कंटेंशन। नेवरदिलेस मैं हार्ट के पेशेंट को एक ही चीज समझाता हूं कि ब्लॉकेज अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्यूरेसी करना होगा। व्हाट इज दिस एक्यूरेसी, यू अंडरस्टैंड? दिस इज द एक्यूरेसी। इस पिक्चर को आपने देखा है, इसमें एक्यूरेसी लिखा है, कितना एक्यूरेसी है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ड्रम है, ये ड्रम में मैं पानी भरना चाहता हूँ और इसमें 15 छेद है। आप बताइए कितनी छेद बंद करने से ड्रम भरेगी? याद है 15 कारण है। अब इसमें से कितने को कंट्रोल करूं कि ड्रम भर जाए? सारे को करना होगा। अच्छा मैं हार्ट के पेशेंट्स को क्या देखता हूं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में। वो क्या बोलते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी ज्यादा है। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंद चाहिए मुझे। बोलते मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो कैसा चलेगा? मैं बोला थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा। बोलते मेरा बीपी कम किया हूं पर पूरा कम नहीं कर रहा हूँ, 120 नहीं ला रहा हूँ, 140 ही रखा हूँ। मैं बोला नहीं चलेगा, मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चाहिए। हाँ इसके लिए शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपसे कम नहीं हो रहा, मैं दवाई देके कम कर देता हूँ। पर स्मोकिंग आपको पूरा ही बंद करना होगा, खाने में तेल आपको बंद करना होगा, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ओवरवेट कम करना होगा, खाना पीना में फाइबर ज्यादा डालना होगा। अच्छा ये सब संभव है क्या लोगों के लिए? यस, क्या प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं सिगरेट बंद कर सकते? क्यों नहीं मीट बंद कर सकते? क्यों नहीं तेल घी छोड़ के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं? तो ऑल दीज इफ यू डू देयर इज नो प्रॉब्लम। नेवरदिलेस मैं जानता हूं, एक और छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूं। अभी एक और नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आदमी को मैं सोचता था बिना काटे कुछ हो सके। ये हमारी कुकिंग की क्लास है, दिस इज अ कुकिंग क्लास। मैं हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ, दिस इज माई डाइटिशियन टीचिंग कुकिंग, जीरो ऑयल कुकिंग टू द पेशेंट्स वाइफ्स। मैं हार्ट के पेशेंट्स को योगा सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ कैसे भी करो योगा करो, आप योगा करने की बहुत ज़रूरी है। उसके साथ उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितनी सामान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या प्रिकॉशन लो, दादर चढ़ो तो क्या प्रिकॉशन लो, आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो, कौन सी मेडिसिन लो, कब तक लो। एंड फॉर दिस हाँ मैं एक मैगज़ीन भी निकालता हूँ, इसका नाम है सोल टाइम्स। ये मैगज़ीन मैं हर महीने निकालता हूँ, दिल्ली से निकलती है, हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा आपको एक फॉर्म दिया गया है क्या, ऐसा देखिए तो, हैव यू गॉट अ फॉर्म लाइक दिस। ये फॉर्म में अगर आप अपने नाम एड्रेस भर के देंगे तो आपको ये मैगज़ीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैगज़ीन है। और इसके साथ एक छोटा सा और क्वेश्चन ये रखा है कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कोई कैंप करवाएं तो हाउ मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन सच अ कैंप। एक दिन का या 2 दिन का ऐसा एक कैंप अगर हम करवाएं तो कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ फिल इट अप। मेरे को लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें अगर कैसे याद रखूंगा, मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखी है। आदमी बोलता है सर छोटा सा कुछ दीजिए ना कॉपी, तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है जिसका नाम है पॉकेट गाइड। एक 30 रुपीज़ की किताब है, कोई 2 घंटा बैठ के पढ़ ले तो जितनी बातें मैंने बताई है सब इसमें लिख के रखा है। सो दिस बुक आई हैव ब्रॉट ओवर हियर। मेरे ख्याल से बाकी बुक्स तो मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर देयर, तो मैं ये बुक लाया हूँ। कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और कोई को पढ़ाना चाहता हूँ, हार्ट के पेशेंट को जरूर पढ़ाइए। 30 रुपीज़ की गिफ्ट होती है, यू कैन गिव इट टू एनीबडी एंड दे विल लर्न थिंग्स फ्रॉम द बुक। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ, मैं ये मैगज़ीन पिछले 10 साल से रन करता हूँ एंड इट इज़ गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूँ। देयर इज़ अ न्यू मशीन विच हैज़ कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में। एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहाँ से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं, और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास 2 सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है। इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी, कोलैटरल्स बोलते हैं। कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें दे के रखा है। ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी दे के रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज़ कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना काटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए ये ट्यूब्स हैं जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर। ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहाँ जाएगी, बॉडी में ही रहेगी पर कहाँ जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर 1-1 घंटे तक, 1-1 मिनट, इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरी ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ECG फीड होती है कंप्यूटर को। एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही हाँ एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है, कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से। तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है, बट अभी भी इसका रिजल्ट्स हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट्स आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे कम हो सकती है। नेवरदिलेस मैं समझता हूँ मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको दे दिया है। कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी को आधे घंटे से ज़्यादा लेक्चर मत दिया कीजिए। मैंने बोला क्यों, बोला आपने स्कूल, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है। मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलता आपने स्कूल कॉलेज में देखा है कभी भी पीरियड्स 40 मिनट से ज़्यादा नहीं रखते हैं, उसमें 5 मिनट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आधे घंटे ही चलेगा दिमाग। मैं बोला पर मैंने देखा आप TV देखते हो तो 2-3 घंटा देखते हो एक साथ। बोलते नहीं वो इंटरेस्टिंग हो तो देखते हैं। तो मैं जानता हूँ आप हमारे साथ बैठे हैं 2 घंटे के लिए, और आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ ये हॉल को अरेंज जिन लोग ने किया उनको, श्री माफ़त लाल जी को जिन्होंने आपके लिए ये लेक्चर कराया है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उनके लिए फिर से एक बार एनीवे, मैं जानता हूँ मैंने लेक्चर तो ख़त्म किया है और मैं चाहता हूँ कि आपके पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होंगी। मैं कैंप भी करता हूं और मेरी बम्बई में जुहू में एक क्लिनिक भी है जहां पे हर वक्त डॉक्टर है और ये मशीनें वगैरह भी है। तो आपको अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमारी किताबें ज़रूर पढ़िएगा और ये छोटी वाली किताब भी पढ़िएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के लिए माइक है हमारे पास। सो इफ़ यू हैव क्वेश्चन आई वुड वॉन्ट यू टू आस्क द क्वेश्चन एंड आई लाइक टू आंसर द क्वेश्चन। You not covered the effect of the alcohol. Yes, very important thing. Alcohol. मैं आपको बता दूं, alcohol heart के लिए कभी अच्छी नहीं है. We don't recommend alcohol for the heart patient. क्यों? Alcohol में glycerol होती है और glycerol से triglyceride का रिश्ता होता है. Triglyceride, glycerol होता है उसमें भी. तो alcohol में aldehyde group है और glycerol में aldehyde group है और ये दोनों एक दूसरे से exchange हो जाती है। जब भी कोई अल्कोहल ले तो उसका ट्राइग्लिसराइड 40-50 तक बढ़ जाती है। तो अल्कोहल कभी हार्ट के लिए अच्छा है ही नहीं। पर अल्कोहल से एक अच्छाई होती है हार्ट में, वो है एचडीएल बढ़ जाती है। तो हार्ट के पेशेंट्स क्या चाहते हैं मालूम है? बोला एचडीएल की बात करो, ट्राइग्लिसराइड की बात ना करो। अरे मैं कैसे बात ना करूँ, एक चीज़ अच्छा एक खराब है ना, तो मैं दोनों को ही बात करूँगा ना। अच्छा, अल्कोहल में एक ही खराबी है और भी खराबी है। मैं आपको गिनाता हूँ अल्कोहल की खराबी। एक तो अल्कोहल से स्टमक खराब हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, लीवर खराब होता है, इसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर। सुना आपने नाम? अच्छा, अल्कोहल से नर्वस सिस्टम खराब होती है। आपने सुना है अल्कोहल पी के एक्सीडेंट करके लोगों को मार डाला लोगों ने? सुना है ऐसा? तो अल्कोहल से पैसे भी खराब होते हैं, आपको मालूम है क्या? अच्छा, अल्कोहल से एडिक्शन होता है, ये बात मालूम है आपको? एडिक्शन मतलब क्या है? जिसको अल्कोहल पीने की आदत पड़ जाए वो मारपीट करके भी अल्कोहल पिएगा, हर दिन पिएगा। एक आदमी मेरे को बोला, सर सबको ही नहीं होता है ऐसा। मैं बोला जो जो हो चुका है उसको जाके पूछो कि आप जब शुरू किए थे तब हर दिन पीते थे क्या? बोलते नहीं, मैं तो पहले एक ही बार पीता था, कभी ज़िंदगी में एक बार पिया, पहले बार, फिर महीने में एक बार पिया, फिर हफ्ते में एक बार पिया, फिर हफ्ते में 3 बार पिया, फिर धीरे धीरे अब हर दिन पीने का आदत हो गया है। तो कौन गारंटी दे सकता है आप उसी एडिक्शन में नहीं जाओ? अल्कोहल में परिवार को बड़ा टेंशन रहता है, वाइफ सबसे ज़्यादा दुखी होती है। जब हस्बैंड शराब पीता है तो वाइफ सबसे ज़्यादा दुखी होती है। अच्छा, बच्चे तो अच्छा चीज़ सीखते हैं आपसे, बच्चे भी बहुत दुखी होते हैं कि पापा को सिगरेट पीने देते। दो ही होता है, बच्चा दो ही काम करता है, या तो पापा की तरह पीना चालू करता है या तो पापा को जिंदगी भर नफरत करता है, क्योंकि उसको अल्कोहल या तो पसंद हो जाएगा तो वो पीना चालू कर देगा, वो भी बिगड़ेगा। अच्छा, मेरे को कभी कभी लोग बोलते हैं, सर पर मैंने देखा है कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं थोड़ा बहुत पिया करो। मैंने बोला अच्छा एक काम करना, उस कार्डियोलॉजिस्ट को जाके पूछना कि सर ये अच्छी चीज़ है क्या? बोला हाँ अच्छी चीज़ है तब ना हमको बता रहा है। मैं बोला उसको पूछना कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को पिलाना चालू किया क्या हर दिन? बोलता नहीं, मेरा बेटा पिएगा तो निकाल दूंगा घर से। अच्छा, अपने बेटे को घर से निकाल दोगे पीने से और हमको आप बोल रहे हो पियो? आपको क्या लगता है लॉजिक बहुत अच्छी है कि खराब है? कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट को यहाँ हाथ लगा के बोलने बोलिए कि हाँ ये अल्कोहल बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अपने बच्चों को पिलाऊंगा, अपनी वाइफ को पिलाऊंगा, तब तो मैं मान जाऊँ। कोई कार्डियोलॉजिस्ट तैयार नहीं है। पर पेशेंट्स के लिए घूस देना समझते हैं, घूस देना ब्राइब करना समझते हैं, ब्राइब होने से बहुत काम हो जाता है। तो पेशेंट को ब्राइब देके रखते हैं कि पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मेरा बहुत बढ़िया है, सारा चीज अलाउ कर देता है। बट वेरी बैड, अल्कोहल इज नेवर गुड फॉर द हार्ट। या एनी मोर क्वेश्चंस? गार्लिक, गार्लिक मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा है, कैन आई टेक, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखा है, कैन आई टेक गार्लिक? गार्लिक हार्ट के लिए अच्छा है, गार्लिक हार्ट के लिए अच्छा, पर नेसेसरी नहीं है, जो नहीं खाता उसको ही खाना होगा। ऐसे हजारों फूड है जो हार्ट के लिए अच्छा है, तो यू कैन टेक एनी ऑफ दिस फूड। पर एक आदमी मेरे को बोला, सर सिर्फ गार्लिक खाऊंगा मेरा ब्लॉकेज ठीक होगा कि नहीं? मैं बोला नहीं, जितने खराब वाले आइटम है सब बंद करने होंगे, जितने अच्छी वाली सब चालू करनी होगी। तो ऐसा नहीं कि गार्लिक इज अ पैनासिया, पर गार्लिक इज डेफिनेटली गुड, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। या यस मैम, सीटी एंजियोग्राफी बम्बई में बहुत सारे जगह, मेरे ख्याल से कम 20 मशीनें लग गई है। हम जहाँ करवाते वो चित्रा करके है दादर में, दे चार्ज 6000 रुपीज़। तो ये सीटी एंजियोग्राफी के लिए आपको अगर एड्रेस चाहिए, हमारी क्लिनिक का एड्रेस आपके पास है ऑलरेडी, यू कॉल देम अप, दे विल गिव यू द डिटेल्स। ओके सर, व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल And what if you have the range of good cholesterol is higher than the normal range? So how does it affect the heart and what is? See, good cholesterol को good क्यों बोला जाता है? It goes to the blockage, picks up the cholesterol and takes it out. So good cholesterol, if you can increase, it is wonderful. We want more than 40. तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कोशिश करिए और इसके लिए बाजार में नहीं मिलता है। आप हमको ये नहीं बोल सकते सर 2 किलो मेरे लिए मंगवा दीजिए। गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी बनाएगी अगर आप खाना पीना ठीक रखेंगे तो। So is good cholesterol anyways related to fat also? I mean, it is coming from fat plus protein. Hare Krishna Prabhuji, this is Dr. Anuj here. I have done lot of your patients. I have done echoes of those patients at Chitra Scan. Okay. And let me tell you, I am a cardiologist and I really loved your lecture. It's an amazing talk that you gave. And I pray that we do something together with all the malpractice. I'm very much aware of what is going on. And